नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स एंड ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा बिहटा पट। 28 नवंबर 2020 को उन्होंने लोकतंत्र समिति पार्टी का गठन किया। आज तकरीबन 21 वर्ष हुआ, 21 वर्ष का हमारी पार्टी हुई और आज मुझे मौका मिला है, आप लोगों का आशीर्वाद मिला है। मेरा प्रयास रहेगा कि भविष्य में जो मैं आज से 4 दिन पहले भी कहा था और मैं तमाम साथियों से आग्रह करता हूँ, हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ कि जो हमारे साथी किसी भी कारणवश हमसे दुखी होकर या पार्टी में किसी बड़े नेता से दुखी होकर पार्टी छोड़ के चले गए हैं, मैं उनसे अपना आग्रह करता हूँ और माफ़ी मांगता हूँ। और आप तमाम साथियों से मेरा आग्रह है कि सभी लोग पुराने फिर हमारी पार्टी में लौट आए और पार्टी के संगठन को मजबूत करें। भैया पासवान जी बराबर कहते, देखो गरीब और अमीर में यदि लड़ाई हो तो गरीब को साथ देना, औरत और मर्द में लड़ाई हो तो औरत को साथ देना, ये बराबर और बराबर उनका रहता। मुस्लिम अकलियत और हिंदू में लड़ाई हो तो अकलियत को साथ देना, ये उनका नारा था। तो हम लोग की ये विचारधारा है कि हमारी पार्टी जो है आगे बढ़े, सामाजिक न्याय के तहत हम लोग पार्टी को आगे बढ़ावेंगे। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि आज मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हुआ हूँ, तो मैं आज प्रेस साथियों के माध्यम से मैं पूरे बिहार, पूरे देश की जनता को, खास करके लोकतंत्र समिति पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि लोकतंत्र समिति पार्टी के अंदर कोई मतभेद नहीं है, कोई विरोध नहीं है। यदि मतभेद होता, विरोध होता, तो मैं निर्विरोध निर्वाचित नहीं होता।